अनलिमिटेड हार्ट से लेके सुपर फास्ट लैडर तक, और बताओ कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे ओवरपावर्ड फीचर्स जो माइनक्राफ्ट को काफी ज्यादा आसान बना देता है। तो चैलेंज भैया, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो, चलते अपना फीचर नंबर 1 के ऊपर, जो कि भाई बबल एलिवेटर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग बबल एलिवेटर के ऊपर कोई भी स्प्लैश पोशन फेंक देते तो वो यूज नहीं होता है, वो एलिवेटर के ऊपर उछलता रहता है। और जब भी कोई प्लेयर एलिवेटर का इस्तेमाल करके ऊपर आता है तो उसके ऊपर पोशन यूज हो जाता है। ये वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग एक बहुत ही डेडली ट्रैप बना सकते। अपने को बस बबल एलिवेटर के ऊपर बहुत सारा इंस्टेंट डैमेज वाला स्प्लैश पोशन फेंक देना है। अब जैसे ही कोई प्लेयर बबल एलिवेटर का इस्तेमाल करके ऊपर आएगा तो बंदा भाई तुरंत मर जाएगा, ये समझने से पहले कि क्या हुआ है, बंदे का टायर फिस हो जाएगा। खैर निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि है भाई टिप्ड एरो। देखो माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर पहले से एक बहुत ही ओवर पावर्ड आइटम है भाई, जिसका नाम है भाई कोल्ड्रोन। देखो माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर हम लोग कोल्ड्रोन के मदद से बड़े आराम से टिप्ड एरो बना सकते। अभी तुम लोग कहोगे इसमें जलवा क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल फंडा है। देखो जलवा इधर बेसिकली ये है कि अगर हम लोग कोई भी 8 मिनट वाला पोशन लेते हैं तो हम लोग 8 मिनट तक उस पोशन को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 8 मिनट का एक पोशन कोल्ड ड्रोन के अंदर डाल के देन उसके मदद से टिप टैरो बना लेते तो फिर अपने को टोटल 16 टिप टैरो मिलता है, और हर एक टिप टैरो भाई 1 मिनट का होता है। अभी ये 16 टिप टैरो के मदद से हम लोग बड़े आराम से 16 मिनट तक पोशन एंजॉय कर सकते है ना भाई, ओवर पावर्ड फीचर। खैर साइड से निकल लेते और चलते अपना थर्ड नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई माइनकार्ट। माइनक्राफ्ट के अंदर माइनकार्ट नॉर्मल रेलवे ट्रैक के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, लेकिन अगर हम लोग एक बोट को माइनकार्ट के अंदर फिट कर देते तो फिर जलवा थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल रेलवे ट्रैक के ऊपर भी माइनकार्ट विद बोट बहुत तेजी से भागता है। किसी भी तरीके का पावर ट्रेल की जरूरत नहीं है भाई, नॉर्मल रेलवे ट्रैक के ऊपर भी हम लोग माइनकार्ट को दौड़ा सकते है। इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा पावर ट्रेल सेव कर सकते है। लेकिन अगर तुम्हें बोट का इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर एक और टेक्निक भी है। अगर हम लोग सिंपली एक बिग गो माइन कार्ड के अंदर फिट कर देते एंड देन उसके ऊपर सैडल डाल के राइड करते तो अपना माइन कार्ड बहुत तेजी से दौड़ता है, इसमें भी पावर ड्रिल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो लेट्स गो, चलते अपना फोर्थ नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई पावरफुल लैडर। क्या तुम लोगों को बताएं, हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर केक के मदद से भी लैडर बना सकते हैं। बिल्कुल भाई, केक लैडर। इस वाले यूनिक लैडर के मदद से हम लोग हॉर्स के ऊपर बैठ के कुछ ही सेकंड में बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और तो और सिर्फ हॉर्स नहीं, बिग डोंकी जैसे मॉब के ऊपर बैठ के भी हम लोग ये वाले लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाले लैडर को बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है, अपने को बस एक के ऊपर एक केक लगाना है एंड देन उसके बाद नीचे वाले केक को एक बाइट लेना है, उसके बाद वाले केक का 2 बाइट, उसके बाद 3 बाइट, ऐसे करते जाना है। बस अपना यूनिक लैडर बिल्कुल तैयार है। खैर लैडर तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोगों ने वीडियो को लाइक किया है? अगर नहीं किया है फटाफट कर दो, इस वीडियो का लाइक गोल रखते 2100 लाइक, जल्दी से कर दो भाई। और अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चैलेंज भैया, निकल लेते अपना फिफ्थ नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई डायमंड। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर डायमंड थोड़ा सा ज्यादा ही रेयर होता है, नॉर्मली केव के अंदर अपने को एक्सपोज डायमंड देखने को नहीं मिलता है। और तो और अगर हम लोग स्ट्रिप माइनिंग भी करते तो बहुत टाइम लगता है डायमंड ढूंढने में। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है, ये चीज पूरी तरीके से बदलने वाला है। माइनक्राफ्ट के अपडेट 1.21 के अंदर डायमंड बहुत ही ज्यादा कॉमन होने वाला है, मतलब डायमंड अपने को बड़े आराम से मिलने वाला है। केव के अंदर खुले में अपने को डायमंड देखने को मिलेगा, और तो और स्ट्रिप माइनिंग में भी अपने को बहुत ज्यादा डायमंड देखने को मिलेगा। जैसे मेरे हार्डकोर वर्ल्ड में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ केव में एक्सप्लोर करके डायमंड के आर्मर बना लिया। चलो जो भैया निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि भाई क्रीपर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी क्रीपर फटता है तो अपने को बहुत तगड़ा डैमेज मिलता है। लेकिन क्या तुम लोगों को बताया, अगर हम लोग क्रीपर को बोट के अंदर बैठा देते एंड देन उसी बोट के अंदर बैठ जाते तो क्रीपर ब्लास्ट होने पे अपने को सिर्फ और सिर्फ आधा हर्ट का डैमेज मिलता है। आधा हर्ट का, भाई साहब क्या ये ओवर पावर्ड है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन इसका कोई यूज है मेरे को नहीं पता भाई। खैर कोई बात नहीं, निकल लेते अपना 7th नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि भाई अनलिमिटेड हर्ट।
क्या तुम लोगों को बताएं, हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर अनलिमिटेड हर्ट ले सकते। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई, एक बहुत ही तगड़ा टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग बहुत सारा हर्ट का जुगाड़ कर सकते हैं। इस वाले टेक्निक के अंदर अपने को पहले एक इंचांटेड गोल्डन एप्पल खाना है, उसके बाद तुरंत ही एक गोल्डन एप्पल खा लेना है। फिर अपने को थोड़ा सा वेट करना है जब तक एब्जॉर्प्शन वाला इफेक्ट खत्म ना हो जाए। जैसे ही इफेक्ट खत्म होता है तुरंत अपने को एक इंचांटेड गोल्डन एप्पल एंड उसके बाद एक गोल्डन एप्पल खा लेना है। और यही सिंपल टेक्निक का अगर हम लोग रिपीट करते जाए तो हम लोगों के पास बहुत सारा हर्ट हो जाएगा। ये हर्ट तब तक गायब नहीं होगा जब तक हम लोगों को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं मिलता है। तो चैलेंज भैया निकल लेते अपना 8वें नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई ड्रिप स्टोन। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर फॉलिंग ड्रिप स्टोन काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर हम लोग 50 ब्लॉक की हाइट से ड्रिप स्टोन को गिरा देते तो वो नीचे वाले प्लेयर की ऐसी की तैसी कर देता है। इनफैक्ट अगर कोई प्लेयर पूरा का पूरा नेदरराइट के आर्मर पहन के रखता है तब भी गिरता हुआ ड्रिप स्टोन बड़े आराम से प्लेयर को निपटा देता है। तो यही वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ही खतरनाक लेवल के ट्रैप बना सकते हैं। जलवा है ड्रिप स्टोन का और क्या ही बताए। तो चैलेंज भैया लेट्स गो, निकल लेते अपना 9th नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि भाई माइन कार्ड विथ TNT। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर ये वाला आइटम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो ये तो हम सबको पता है, माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग 3 से ज्यादा माइन कार्ड विथ TNT को एक रेलवे ट्रैक के ऊपर लगा के दिन धक्का दे देते तो फिर वो माइन कार्ड विथ TNT जब भी कोई ब्लॉक से टकराता है तो बड़ा भयंकर धमाका होता है। अब यही वाला टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग एक बहुत ही भयंकर विस्फोट कर सकते हैं। बेसिकली ये तो हम सबको बताए, हम लोग एक ही रेलवे ट्रैक के ऊपर बहुत सारा माइन कार्ड विथ TNT लगा सकते। अभी ये वाला भयंकर माइन कार्ड जब भी किसी भी चीज से टकराएगा तो भयंकर विस्फोट होगा। अगर तुम्हारे बेस की तरफ ऐसा माइन कार्ड आता हुआ नजर आए तो तुरंत उधर से निकल लो भाई। चला जी भैया फटाफट निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि भाई इनविजिबल बबल एलिवेटर। देखो माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर हम लोग एक इनविजिबल बबल एलिवेटर बना सकते हैं कुछ इस तरीके का। अपने को क्या करना है, बहुत सिंपल है। अपने को पहले एक सोल सैंड एलिवेटर बनाना है एंड देन साइड में अपने को डिस्पेंसर लगा देना है और हर एक डिस्पेंसर के अंदर अपने को पाउडर स्नो डाल देना है। अभी जैसे हम लोग डिस्पेंसर को एक्टिवेट करेंगे तो पाउडर स्नो सारा का सारा पानी को गायब कर देगा, और जैसे ही हम लोग पाउडर स्नो को हटाएंगे तो अपना इनविजिबल बबल एलिवेटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये तगड़ा ग्लिच बहुत पहले से माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर काम कर रहा है। तो लेट्स गो, निकल लेते अपना लास्ट नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि भाई डॉल्फिन ग्रेस। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग डॉल्फिन ग्रेस इफेक्ट का इस्तेमाल करके पानी के अंदर बहुत तेजी से स्विमिंग कर सकते। अपने को क्या करना है, बहुत सिंपल है। अपने को बस एक डॉल्फिन के ऊपर लीड बांध देना एंड देन वो वाला डॉल्फिन भाई इफेक्ट देता जाएगा, अपने को बस स्विमिंग करते जाना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड एफिशिएंट। तो चैलेंज जो आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर ऐसे वीडियो देखना है तो ये वाले वीडियो को क्लिक कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुम लोगों नेक्स्ट वीडियो में।